I'm walking around in the circle of life, doing a thing. एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो ये वीडियो है इसमें सब रैंडम क्लिप्स हैं और ये ऑलमोस्ट सारी वीडियो कुकिंग से रिलेटेड है। इतनी कुकिंग आप देखेंगे तो अब जो मैं कर रही हूँ मैं वो दिखाऊँगी ऑलमोस्ट आप लोगों को। तो जी आपने विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, पहले ही सब्सक्राइब कर दें। तो जी चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। सो यस हियर वी गो। देखिए मेरे सब्सक्राइबर्स बस 1000 होने वाले हैं, 1K हो जाएंगे अभी हमारे, तो 1K की फैमिली हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, लाइव काउंट है ये। कभी एक अप होता है कभी एक डाउन होता है। सो वो जो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल था ना वो मैं बता नहीं सकती हूँ कैसा था, इट वाज रियली अमेजिंग। तो फाइनली ये 1001 हो गए हैं, सो हैप्पी, इतनी खुशी हो रही है ये देख के। सब्सक्राइबर्स को थैंक यू। मुझे YouTube की तरफ से मेल भी रिसीव हो गया था कि दैट योर चैनल इज़ मोनेटाइज्ड, और इतनी ज़्यादा खुशी होती है ये देख के कि इट्स एप्रिसिएशन जो कि हमारे काम का रिवॉर्ड होता है। सो यस आज सुबह के टाइम मैं बना रही हूँ नाश्ता। चाय मैंने प्रिपेयर कर ली है। Walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 of times with morning से अब हम एकदम जंप कर गए हैं शाम के टाइम पे। तो अब शाम को ये शाम का क्लिप है। मुझे याद नहीं है कि उस दिन सुबह के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी शाम का टाइम हो गया और मैं चाय बना रही हूँ। चावल बॉयल किए हैं और ये आलू के कटलेट्स फ्राई किए। इसको थोड़ी देर तक इस बाउल में डाल दूंगी। टुडे आई एम ट्राइंग टू मेक वाइट सॉस पास्ता। तो अभी मैं यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स को कुक कर रही हूँ। सो यस फिर मैं दिखाती हूँ आपको साथ साथ। पास्ता बॉयल कर लिया है तो अभी बाकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो जब होगा तो फिर बाकी स्टेप्स भी शेयर करूँगी। सॉस रेडी हो रहा है, आई होप सो कि ये अच्छा टर्न आउट हो जाए। सॉस पास्ता रेडी हो गया, बस अब इसको मैं डिश आउट करूँ। हेयर वी हैव फाइनल लुक, इट्स लुकिंग सो डिलीशियस। अभी बाकियों के कमेंट्स भी लेते हैं। मैं वालदा को मैंने चेक कराया है, तो क्या देंगे नंबर, कितने देंगे? बेटी ने बहुत मजे का बनाया पास्ता, 10 out of 10। भाई 10 नंबर मिल गए, थैंक यू सो मच। तो ये अभी छोटी सिस्टर ने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, उसने एक 3D हाउस बनाना है। तो अभी ये कुछ आर्ट की चीज़ें हैं, तो जब उसका पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो अभी ये इंटरेस्टिंग लग रहा है जिस तरह से वो बता रही है। ये चार्ट्स हैं और ये ग्लू, आइसक्रीम स्टिक्स हैं और ये हमारे पास हैं
3 पोस्टर कलर्स, तो के कुछ कलर्स घर में मौजूद थे तो फिर हमने यही कलर्स लिए हैं। अब हम रेडी करेंगे और बेसिकली वही बनाएगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा बनेगा। तो इस 3D हाउस में अभी हमने किचन और बेडरूम, लाउंज और ड्राइंग रूम्स वगैरह सारे रूम्स बनेंगे। फिर उसके अंदर छोटे छोटे फर्नीचर भी होगा, सारा सामान, बेड्स वगैरह, तो मैं आप लोगों को वो फिर दिखाऊंगी। और अभी ये कुछ इनकम्प्लीट शॉपिंग है, बट ये प्रोजेक्ट उसने 20 सितंबर तक सबमिट करवाना है, तो हो देखते हैं कैसा बनता है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा जी। तो प्रोजेक्ट डिस्कशन के बाद मैं फिर बाहर आई, पहले तो हवा चल रही थी लेकिन फिर बारिश भी शुरू हो गई हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो गया हुआ था, क्योंकि पिछले दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी हुई भी थी और फिर बस हर तरफ हवस थी, तो लेकिन अल्लाह ताला ने फिर अपना करम कर दिया और बारिश हो गई थी, तो बस फिर बारिश अब तक हो रही थी, फिर यहीं पर टाइम स्पेंड किया था और ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए थे। ये लाइटें ख़राब हो गई है, आंखें मार रही है और इसलिए वीडियो में ऐसे शो हो रहा है। तो जी अभी किचन में सबके लिए दूध बन रहा है, रूफ़ ऐड किया और ये खुला दूध है, ज़बरदस्ती सबको पिलाएंगे। तीन कप बनेंगे जी, और Walking around in the circle of life, doing the things I know. दूध कोई भी नहीं पीता, लेकिन अभी ज़बरदस्ती सब पियेंगे। तो ये 3 कप्स रेडी हो गए हैं, तो अभी ये एक्स्ट्रा भी है, तो अभी बड़ों को भी देते हैं और फिर ये दूध को ख़त्म करते हैं ज़बरदस्ती सबको पिला के। ये मैंने अपने लिए कप में डाल लिया था दूध, इसे मैंने सिर्फ थोड़ी सी शुगर ऐड की है, और बस अभी मैं ये दूध पीऊँगी। नारियल को कांटे से हलाल किया, इज़न्ट इट न्यू, मैंने पहली दफ़ा एक काम किया, क्या पता किसी और ने भी किया हो, बट आई एम सो हैप्पी आज मैंने ये काम किया। ये ज़बरदस्त से गोलगप्पे हैं, तो अभी ये इन्जॉय करूँगी मैं, और ये काफ़ी टाइम हो गया इनको खाए हुए, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं, सो अभी ये यमी यमी से गोलगप्पे इन्जॉय करते हैं। यस, इसके अंदर ये बनाते हुए आ गया, सो आप लोगों में से किस किस को पसंद है, ये खाते हुए साथ काम हो रहा है और साथ इंजॉय हो रहा है। मेरा काफ़ी दिनों से चिकन फ्राइड राइस खाने को दिल था, और मुझे कोई ला के तो देने वाला कोई दूर दूर का सीन नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो घर में बनाते हैं, और मैंने ये अभी यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी और सारी ऑलमोस्ट रेडी थी, बस इनको मिक्स करना था। मैंने रेसिपी देख के फॉलो किया था, आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट, तो फिर देखते हैं कि अभी इसके रिव्यूज़ क्या होते हैं, बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स, एग और चिकन सब कुछ प्रिपेयर था, बस अब इनको लास्ट पे मिक्स करना था, एंड उसके बाद मैंने सबको टेस्ट करवाना था। बेसिकली ये मैं अपने लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन घर में भी सब रिव्यूज़ देने वाले थे, तो मैंने इनमें फिर जब इसको ट्राई किया था तो नमक थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन मुझे पसंद आए थे, और मेरी मदर जो थी वो कह रही थी कि उन्हें थोड़े पसंद नहीं आए, लेकिन मेरे नज़दीक ये डिश पास हो गई थी, लेकिन जो टेस्ट मुझे चाहिए था आई रियली लाइक इट, और मे बी हर किसी की चॉइस होती है। चेक आउट दिस, इज़न्ट इट क्यूट, मैंने पहले मैं इसके उतारने लगी थी, पील ऑफ इसे करने लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ऐसे ही ठीक है, तो एकदम मैं इसको कट करके इट
टर्न्स आउट रियली प्रिटी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ, कई दफ़ा अचानक भी इन्वेंशंस हो जाती हैं, तो ये भी एक डेकोरेशन के लिए नाइस है अगर जिनको पसंद है। लेकिन जिनको नहीं पसंद, कुछ तो पील ऑफ करके खाते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। सो यस, ये जो मेरे पीछे पड़ा हुआ ना वीडियो का जो बैकग्राउंड बना हुआ है, ये मेरी सिस्टर को चाहिए था, और उस वो जो प्रोजेक्ट पे उसने काम करना था, वो पता नहीं उसका कुछ हो रहा है कि वो करेगी या चेंज करेगी। सो पता नहीं इसको क्या कहते हैं, अभी मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो है अभी आपसे जो मैंने वीडियो शेयर किया, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm walking around in the circle of life, doing a thing.